हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वे में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ख़ास तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑप्शन में बाई करते हैं। दोस्तों, मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है। ऑप्शन चेन का डाटा मैं फैच करता हूँ अपने ब्रोकर से। ये फायर का मैं यूज़ करता हूँ। फायर वन से डाटा पुल करता हूँ अपने उसमें। देखिए, मैं ऑप्शन चेन में रखा है। ये ऑप्शन चेन आप भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो नेट पे अवेलेबल हैं, आप उनको देख के बना सकते हैं। बाकी मैं आपको बस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। इसका यूज़ करके मैं ऑप्शन में बाइंग करता हूँ और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाता हूँ। तो दोस्तों, ये आज का है, आज का डाटा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ। तो पहले ये देख लीजिए, जैसे ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन है। मैंने क्या करता हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, टोटल डाटा है, ये टोटल डाटा है, सारे स्ट्राइक प्राइस का टोटल का टोटल ओपन इंटरेस्ट का डाटा है जो यहाँ पे मैंने मैंने ये कर रखा है। ये डाटा यहाँ से नहीं आ रहा है, ये रॉ डाटा है मेरे पास। रॉ डाटा के वहाँ से आता है, पूरा टोटल डाटा है। ये है कॉल का डाटा ओपन इंटरेस्ट का, और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट का डाटा है जो मैं यहाँ पे शीट में पुल करता हूँ और इसका यूज़ करता हूँ। यही स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर टाइम ले रखा है, मैं टाइम टाइम अपने अकॉर्डिंग चलते आता है इसमें। और ये डाटा जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, 1 मिनट के इंटरवल पे डाटा रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है डॉक्टर दोस्तों, तो ये कॉल ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, ये जो मैंने वहाँ से मैंने फैच करके लाया हूँ। और ये पुट का है, ये देखिए, ये वहाँ से लाया हूँ मैं, 7989565 का ये डाटा है, मैं यहाँ से लाया हूँ इसको। ये देखो, 7989565, और ये पुट का है, 5943560, 5943560। और ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक चार्ट बना रखा है इसके बेस पे। जो कॉल का डाटा है, कॉल ओपन टेस्ट, और ये पुट ओपन टेस्ट, और ये जो है, मैंने पुट ओपन टेस्ट में से माइनस कॉल ओपन टेस्ट यहाँ पर ले रखा है। ये देख सकते हैं, FT3, ये से माइनस FTS3, तो ये इतना आएगा। ठीक है, इस डाटा को ही रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए, ये टाइम है, ये टाइम फ्रेम है, ये मैं 9:18 डाटा रिकॉर्ड होता आया ये, एक एक मिनट पे। लेकिन 9:18, 19, 20, 21, 1 मिनट पे डाटा रिकॉर्ड आया। और इसके बेस पे मैंने ये चार्ट बनाया। तो इस चार्ट में क्या क्या लिया मैंने, ये दिखाता हूँ मैं आपको। दो डाटा ले रखा है इसके अंदर, ये निफ्टी का डाटा जो करंट जो प्राइस है एक, तो वो, और जो ये जो पुट माइनस कॉल, ये ओपन इंटरेस्ट डाटा जो ये रिकॉर्ड, इसके बेस से मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है। आप ये देख सकते हैं, इसमें टाइम है, निफ्टी है, और ये नेट बेसिस पे जो ओपन इंटरेस्ट डाटा है वो है। तो ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट डाटा। तो ये देखिए दोस्तों, यही हमें बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और इसके बेस पर ही हम ट्रेड लेते हैं। तो देखिए, इसे कितना अच्छा कोरिलेशन है निफ्टी और इसके साथ। प्रॉपर जैसे जैसे निफ्टी ने मूव किया है, वैसे वैसे इसने मूव किया है। और इसमें एक चीज़ और मैंने इंक्लूड किया अपनी तरफ से, कोरिलेशन। तो इसके बेस पे ही हमें ट्रेड लेना है। कोरिलेशन जैसे 0.90 है, ये तो बहुत अच्छा कोरिलेशन है के साथ, ताकि परफेक्ट कोरिलेशन कह सकते हैं इसको। और ये जो डाटा है, इसका ही बताया था मैं, ये भी वही है, ये कॉल ओपन टेस्ट और पुट ओपन टेस्ट, ये दोनों डाटा मैंने इस पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर ये टाइम है, इन सब इनको दोनों को देख के ही हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोरिलेशन निकाला है। कोरिलेशन कैसे निकाला, मैं ये दिखाया था आपको कैसे फार्मूला यूज़ किया मैंने। जैसे ये है, ये मैंने फार्मूला यहाँ पर दिखाता हूँ। कोरिलेशन का ये फार्मूला है, कोरल N5, FN5 और FN13। जैसे मैंने जितना कॉलम आपका हो उतना ले लीजिए, एक्स्ट्रा कॉलम ले लीजिए, ताकि वहाँ तक डाटा आपका 3 साढ़े 3 बजे तक आपका डाटा रिकॉर्ड होता रहे। तो निफ्टी के साथ और ये इसका कोरिलेशन मैंने निकाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये कोरिलेशन आ रहा है। जब ये कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन हो और वो कोरिलेशन 50 से ज़्यादा हो, मतलब 0.50 से ज़्यादा हो, तभी हमें इस चार्ट को फॉलो करना है, अदरवाइज फॉलो नहीं करना। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, ये 53 यहाँ पे कोरिलेशन स्टार्ट हुआ, और ये कोरिलेशन बढ़ते जाना चाहिए धीरे धीरे। जैसे ये 53 था, इसे देखिए, ये कोरिलेशन बढ़ते जा रहा था, ये कोरिलेशन बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे चल के ये बढ़ते जा रहे कोरिलेशन। और बढ़ते बढ़ते देखिए आप, ये 83 84, ये बढ़ते बढ़ते कोरिलेशन यहाँ तक गया है, जो करंट का कोरिलेशन है 0.9590 तक कोरिलेशन गया है। तो
आपको ये तभी इसका यूज़ करना है। और दूसरा कैसे यूज़ करना है ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया रखा है, जैसे आप ये देखिए, ऐसे आप ये देख के पता लगा पड़ेगा कि काफ़ी परफेक्ट कोरिलेशन है मार्केट साइंस इसका। और यहाँ पर ये जैसे ये देखिए, ये है, ये कॉल ओपन इंटरेस्ट का डाटा है। जब ये कॉल ओपन इंटरेस्ट का डाटा नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कॉल डाटा अपनी पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, और ये पुट ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, मतलब ये पुट राइटर अपनी पोजिशन क्लोज कर रहे हैं। तो यही एक परफेक्ट सिग्नल था यहाँ पर, जो यहाँ पर मिला था, जो ये टाइम फ्रेम दिखाया था आपको, ये तकरीबन ये 12:42 दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये 12:43, यहाँ देखिए परफेक्ट इसने ऊपर की तरफ इशारा किया, और मार्केट ने भी काफ़ी एकदम से बड़ा मूव लिया। तकरीबन ये मूव 200-300 पॉइंट, 200-250 पॉइंट का मूव है ये आज का है। आज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसने मूव लिया। इसमें देखिए, जब कॉल ओपन का डाटा नीचे की तरफ मूव किया, और पुट ओपन का डाटा ऊपर की तरफ मूव किया, दोनों क्रॉसओवर किया, और इतना बड़ा मूव इसने कैप्चर किया। तो बस यही एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जिसको आप अपने डाटा को रिकॉर्ड करके इसके बेस पे बहुत ही अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसके बारे में, कैसे ट्रेड लेना है और मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो आप ये सिंपल सा कोरिलेशन देखिए, निफ्टी के साथ कोरिलेशन होना चाहिए पहली कंडीशन, कोरिलेशन 0.50 से ऊपर होना चाहिए, तब हम इसको यूज़ करेंगे, और वो कोरिलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, और आपको चार्ट में भी दिख जाएगा कि हाँ भाई ये कोरिलेशन इसके साथ मैच कर रहा है, तब आपको इसके बेस पर ट्रेड लेना है। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है, इसके बारे में कोई कमेंट सुझाव हो या कोई क्वेरी हो आपकी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल पूछ सकते हैं आप। दोस्तों ये वीडियो जो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।